नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया से हटाना चाहता है यह एक इंसान। दोस्तों, समय रहते आप इनसे संभल जाइए, वरना दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपके जीवन को पूरी तरह तबाह कर देगा। ये दोस्तों पिछले 3 महीनों से आपके जीवन काल में इसने आपको 4 बड़े धोखा दिया है। दोस्तों याद कीजिए कि वह 4 बड़े धोखे कौन से है। एक में तो आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन दोस्तों आप अपनी होशियारी और अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में यह इंसान आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा धमाका करेगा। उससे पहले दोस्तों हो जाइए सावधान और आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अपने जीवन की भलाई चाहते हैं, अपने जान की भलाई चाहते हैं, क्यों दोस्तों यह इंसान बहुत ही खतरनाक है। जो दुश्मन है आपके आसपास के ही है और दोस्तों यह आपको इस दुनिया से हटाने पर तुला है। दोस्तों इनके पीछे की वजह क्या है, आखिर यह व्यक्ति कौन है और यह ऐसा क्यों कर रहा है, सभी जानकारियां इस वीडियो में है। साथ ही दोस्तों आप इनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन काल में इस व्यक्ति को दोबारा नहीं आने के लिए कौन से उपायों को भी कर सकते हैं। दोस्तों सभी जानकारियां पूरी तरह ग्रहों पर निर्मित है, जो कि आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव आप सभी के दुखों को हर लेंगे। जो दोस्तों शादी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं माँ के बहुत ही अच्छे ज्ञान से। जी दोस्तों, एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा, उसके पास 10 रुपये तो हो। ये सोचकर माँ ने खेतों में काम करके शाम तक पैसे ले आई। बेटा स्कूल आकर बोला, खाना खाकर जल्दी से सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। सुबह माँ से बोला, मैं नहाने जाता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई, दूध अभी चूल्हे पर था। माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। माँ का हाथ जल गया। बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा कि मेले में क्या क्या देखा, 10 रुपये का कुछ खाया कि नहीं। बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथों में गर्म बर्तन उठाने के लिए लाई सावड़ी रख दी। अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे, माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों माँ के चरणों में स्वर्ग है, कभी भी उसे दुखी मत करना। सब कुछ मिल जाता है पर माँ दोबारा नहीं मिलता। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको इन पर यकीन हुआ हो या कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आए दोस्तों से की साथ बात करते हैं कि यह एक इंसान आखिर कौन है, जो कि आपको इस दुनिया से हटाना चाहता है, जो कि आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर, बिगड़े धोखा देने से यारी। जी दोस्तों, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही सफल इंसान बनने की सोच रखते हैं। जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों, आप कभी भी उन्हें मन में दबाकर नहीं रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ बातों को तो शेयर करते हैं जो भी आप अपने जीवन काल में चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं, दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो आने वाले क्रियाकलाप हैं, उन सभी की जो गुप्त बातें हैं, अपने जीवन काल में आने वाले योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी समस्याएं आ रही है,
यहीं से शुरुआत होती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नजरिया बदल जाता है और दोस्तों वे आपसे ही जलनशील की भावना से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और दोस्तों आप इन बातों को समय समय पर नजरअंदाज करते आ रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए कि पिछले समय अंतराल में भी आप सभी के जीवन काल में ऐसे कई लोग आए हैं जो कि आपके साथ रहकर आपको धोखा भी दिए हैं और कोई ऐसा भी लोग है कि दोस्तों धोखा देने के बाद आपसे मिलने के लिए बहुत ही प्रकार के जो है कार्य भी किए हैं, आपके सामने अच्छे बनने के कार्य भी वो लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बैठते हैं। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक बार माफ कर अच्छा इंसान बन जाओ, लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों दोस्तों, जो इंसान जैसा था वह वैसा ही रहेगा, आप उन पर बिल्कुल ही यकीन ना करें। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जीवन में कभी भी धोखा दिए हैं, कभी भी आपको छल किए हैं, तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार से पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है। जी दोस्तों, उनसे बात भी आपको नहीं करना है। जैसे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं और दोस्तों यही ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके साथ रहकर आपके ऊपर छल करते हैं, आपके जीवन काल में कई प्रकार के टोने टोटके कराते हैं जिससे दोस्तों आपको क्षति आपको नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है, गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बात है जो कि आपके लिए सटीक है कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगता है, जे दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार्य करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं। दोस्तों ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप उनके पीछे की बात को छान भी नहीं करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसे ही लोग हैं जो कि आपको धोखा देने के चक्कर में रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको आप पैसे दे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों में बुरे बन चुके हैं। जे दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि पैसे से लेन देन जल्दी आप ना करें, क्यों दोस्तों आज के इस दौर में पैसा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है। जे दोस्तों, जहाँ पैसे हमारी जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करती है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर हम किसी को पैसे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करे हो, हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं, वो हमसे नजरें चुराने लगते हैं। जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवन की हालात हो जाती है। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें, अगर आप दोस्तों इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार्य करते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लोगों से पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों जहाँ तक हो सके आप समय उन्हें दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी और दोस्तों पैसे को लेन देन में आप बिल्कुल ही ना पड़े। तो दोस्तों इन बातों का आप अपने जीवन काल में ध्यान रखें कि दोस्तों ऐसी ही गलतियां होती है जो कि आपके जीवन काल में आप करते हैं और दोस्तों आगे चलकर वही गलती विशाल रूप धारण करके आपके जीवन काल में कई प्रकार के समस्याओं का कारण बनते हैं। जे दोस्तों, और यही लोग आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में टोटके भी करवाते हैं, भूत भी छोड़ते हैं, बहुत प्रकार की जो इनके ऊपर हो सकती है वे सभी कार्य आपके ऊपर ये करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि कैसे आप इनको अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हुई है, जो भी कठिनाइयां आपको मिली है, दोस्तों उन सभी को आप भूलने की प्रयास करें, कोई नई चीजों को पढ़ें, नए कार्यों को करें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपके ऊपर छल किया है उनको ऊपर आप विश्वास बिल्कुल ना करें और दोस्तों आने वाले जीवन काल में जितना हो सके उनसे कम बात करने की प्रयास करें। इनसे दोस्तों आपके माइंड में इनका ख्याल आना कम होगा और दोस्तों आपके दिमाग में कोई और चीज आएगी जिससे दोस्तों आपका आकर्षण किसी और की तरफ बढ़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इन बुरे व्यक्तियों को अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं और यही कारण है कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में अच्छी उपलब्धि भी इनसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सच्चाई लगी हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी की कमेंट पढ़ते रहते हैं।